इस वीडियो के माध्यम से आप व्हाइल लूप का उपयोग करना सीखेंगे। व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं, कैसे काम करता है, इस वीडियो में आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो व्हाइल लूप का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे। आइडियली स्क्रीन आपके सामने आ गई है, फाइल पर क्लिक करें, न्यू फाइल पर क्लिक कर दें। यहाँ पर प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो हम एक वेरिएबल n1 ले लेते हैं। n1 जो है यूजर से इनपुट कराएगा और एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर लेगा। तो हमारी जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है, आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि आपको साफ साफ दिखे कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने इसकी फॉन्ट साइज को बड़ा कर दिया है और अब आपकी स्क्रीन पर ये विजिबल होगा, आसानी से देख पाएंगे। इंट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, जो कि यूजर से इनपुट करने के काम आता है। और यहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। चलिए प्रॉम्प्ट हम टाइप करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, FIRST फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद N2, N2 भी एक इंटीजर होगा, इनपुट कराएंगे। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, जिससे कि हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी बन जाए। फर्स्ट की जगह हमने यहाँ पर सेकेंड टाइप कर दिया, SECOND, सेकेंड। ओके, अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है। N1 और N2 जो दो नंबर यूजर से इनपुट कराए गए हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन प्रोडक्ट हम स्टार या मल्टीप्लिकेशन से नहीं निकालेंगे, हम रिपीटिटिव एडिशन के माध्यम से प्रोडक्ट निकालेंगे। तो शुरू में प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो हमने एक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर ले लिया है और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है हमने जीरो रख दी है। ठीक है, हाँ, शुरू में काउंटिंग जो है N1 होगी। तो हमने COUNT काउंट एक नया आइडेंटिफायर लिया और इसमें जो वैल्यू असाइन कर दी वो है N1। ठीक है, अब हम एक लूप रन करेंगे जो कि वाइल लूप है। और ये लूप तब तक रन होगा जब तक कि काउंट की वैल्यू जो है जीरो से ज़्यादा होगी। वाइल काउंट, COUNT काउंट इज ग्रेटर देन जीरो, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और लूप के अंदर क्या होगा, काउंट हर बार काउंट डिक्रीमेंट होगा, तो काउंट इक्वल टू हो जाएगा काउंट -1। ओके, और प्रोडक्ट निकालेंगे। ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो है पिछला जो प्रोडक्ट होगा उसमें हर एक प्रोडक्ट या प्रीवियस प्रोडक्ट में जो N2 की वैल्यू है उसका एडिशन होता जाएगा। N2 की वैल्यू एडिशन होती जाएगी। ठीक है, और जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो जो है रिपीटिशन एडिशन के माध्यम से दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा। और फाइनली हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करना है प्रोडक्ट N1 और N2 का। तो एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ N1, N1 की जगह हम इस N1 की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, N1 एंड N2 एज प्रोडक्ट आपका किसमें स्टोर हुआ है, प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोग्राम बनकर रेडी हो चुका है और चलिए इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको मैं। तो आपने प्रोडक्ट निकाला है, तो इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं प्रोडक्ट नाम से, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोग्राम रन हो रहा है आपके स्क्रीन के सामने। हमारा फर्स्ट नंबर है 2 और सेकेंड नंबर है 6, तो 2 6 12 होता है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 6 इज 12। तो बिना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर या बिना स्टार का इस्तेमाल किए हमने आपको बताया कि
2 और 6 का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और इसको करने के लिए हमने पाइथन के एक लूप का इस्तेमाल किया है, और ये लूप है वाइल लूप। ठीक है, पाइथन इसी तरह सीखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पाइथन को घर पर ही आसानी से बैठकर फ्री में सीखिए। थैंक यू वेरी मच।